जॉब तो मैंने छोड़ दिया है भैया। क्यों, क्या हुआ? मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। जॉब में मुझे बहुत बदनाम दिख रहा था, सेल मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया है। अब मैं एंटरप्रेन्योर बनके खुद का प्रॉफिट का बिजनेस रहेगा, खुद का इंटरेस्ट भी रहेगा। जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे एक बिजनेस बताया है जिसमें इमीडिएट हमें 20% प्रॉफिट देगा वो। उसके बाद में जैसे ही हम बिजनेस आगे लेके जाएंगे तो हम ये ऐसा तो कोई नहीं है जैसे तुझे 3 मेंबर्स ज्वाइन कराना होगा। मैं बताता हूँ, ये सब पूरी फ्रॉड स्कीम है। फ्रॉड स्कीम है? हाँ, तो तुमने कुछ इन्वेस्ट तो नहीं किया है ना अभी तक? नहीं, अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया मैं। तो मैं तुझे बताता हूँ मुझे क्या क्या समझाना होगा। देख, पहले बोलेगा तुझे कि 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा और 20% तुझे एट ए टाइम प्रॉफिट देगा, और तुझे बोलेगा कि 3 मेंबर्स को और ऐड करो। ओके, वो 3 मेंबर्स भी ऐड होंगे, उन लोगों को भी 1,01,00,000 इन्वेस्ट करेंगे, 20% एट ए टाइम प्रॉफिट देगा। तो वो ऐसे क्या करेगा, बहुत सारे मेंबर्स को जमा करेगा, 1 साल तक पूरों को प्रॉपर गाइड करेगा, 1 साल बाद हार लगा देगा। जैसे मैं समझता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अभी सपोज 100 मेंबर्स उन्हें जमा करते हैं, जैसे तुमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तुमने तुझे 20,000 दे दिया, तेरे उसके पास कितने रहे? 80,000। तुमने 3 मेंबर्स ज्वाइन कर, तो 3 तेरे थ्रू 3 मेंबर्स के उसके ऊपर उसके कितने हुए? 2,40,000। ओके, ऐसा और वो तीन करके करते जाएगा, साल भर तक आपको कॉपरेट करेगा, उसके बाद लाखों करोड़ों ऐसे उठा के हाथ उठा देगा, इनकी भाग जाएगा। ये सब क्या है, फ्रॉड स्कीम है। ये सब स्कीमों के चक्कर में जाना ही नहीं, सिंपल बिजनेस व्यापार वगैरह अच्छा है, नहीं तो अपना जॉब अच्छा चलता है। तूने इन्वेस्ट तो नहीं किया ना? नहीं, इन्वेस्ट नहीं किया। इस तरह मैंने क्यों नहीं सोचा, मैं ये सोच रहा हूँ। मैं बताऊँ, ऐसे मार्केट में बहुत से फ्रॉड होते हैं, तो ये सब चक्कर में मत जा। थैंक यू भैया, आपने मुझे बचा लिया, मेरे पैसे डूबने से बचा लिए, और मैंने जॉब छोड़ भी दी थी उसकी चक्कर में, और मैं फिर से जॉब ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे ये सीख मिल गई है कि लोगों के बोलने से बहकावे में नहीं आना, और चलती गाड़ी का पहिया नहीं होता। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम आपके पास ऐसी अगर कोई स्कीम लेके आता है तो उसे आप बारीकी से समझिए, परखिए, फिर ही अपने पैसे इन्वेस्ट करिए, वरना आजकल मार्केट में ऐसे फ्रॉड स्कीम बहुत हो रही है। अपने पैसों का ध्यान रखिए और खुद का भी ध्यान रखिए, अपने आप को फ्रॉड होने से बचाइए। थैंक यू, और गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।